वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 15 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे दो टाइप के हैं। टाइप फर्स्ट लीनियर PX+Q, लीनियर फंक्शन, लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसा होता है, AX² + BX + C। एक इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम आज, और एक करेंगे लीनियर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, और 4 मार्क्स का भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए पहले हम करते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। दोनों ही टाइप के पहले हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप देखिए लीनियर, ऊपर लीनियर फंक्शन है, डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, इस टाइप का हो गया। ये पेपर में अगर आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हम 7.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, इसको हम आई मान लेते हैं, पुट याद होगा आपको 2x² + x - 3 को हमने टी पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो दिस इंप्लाइज इसका डेरिवेटिव 4x + 1, dx = dt। दिस इंप्लाइज आई हमारा क्या हो गया, जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, 4x + 1 dx, ये हो गया हमारा dt। और इसको हमने क्या पुट किया, टी। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log mod t, यह है 1/t विद रिस्पेक्ट टू टी। और आपको पता है 1/x का क्या होता है, log mod x, तो log mod t, तो ये आ गया हमारे पास log 2x² + x - 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट c। यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू log mod 2x² + x - 3। याद होगा आपने, ये हम इस टाइप के क्वेश्चन, हम 7 पॉइंट यही टाइप में हमारी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, सिर्फ ये 1 नंबर में आएगा पेपर में अगर आता है तो आपका। अब हमारे पेपर्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर एमसीक्यू में आते हैं इस तरीके से करेंगे तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, 7.2 के क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन हम ट्रिक से कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए शॉर्टकट, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं। रूल है हमारा, अगर f - x ऊपर है और नीचे फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल होता है log mod f(x). f - x / f(x) log mod f(x) होता है भाई। देखिए नीचे ये फंक्शन है हमारा और ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे 1 सेकंड के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है मान लो सपोज इसका इंटीग्रल निकालना है 2x / x² + 1, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का, तो ये हमारा f(x) हो गया और ऊपर क्या हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे log mod x² + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन, 3x² x³ + 1, इसका इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, log mod x³ + 1 प्लस सी। आपको समझ में आ गया होगा जो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, नीचे अगर फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, 4 मार्क्स के जब हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के तो उसमें हम ये ट्रिक यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो f - x / f(x) तो किसके होता है, log mod f(x) के, ये फॉर्मूला आपने लर्न रखना है। अब हम ये टाइप का कर रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको करते हैं। अब देखिए
यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम. क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. इनफैक्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी है. क्वेश्चन नंबर 16 भी है. ये अगर पेपर में आता है मैक्सिमम 2 मार्क्स या 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में टिक करना है या डायरेक्ट इसका आंसर बताना है, तो आप इतना देर ना लगा के हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे. तो देखिए मैं पहले जैसे आपने 7.2 में किया था वैसे करवाता हूं. वही सेम पुट 2x प्लस x माइनस 3 को हमने t पुट कर दिया तो ये क्या हो गया 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt. तो दिस इम्प्लाइज i क्या हुआ हमारा, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया रूट टी. 1 बाई रूट टी का आपको पता है 1 बाई रूट टी का हम कैसे निकालते हैं, t की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर नीचे 1 बाई 2 है ऊपर जाएगी तो माइनस बन जाएगी, x की पावर n लगा देंगे, 1 ऐड किया इसमें और 1 क्या किया प्लस, पता होगा आपको. तो ये क्या हो गया हमारा t की पावर 1 बाई 2 और नीचे क्या बचा 1 बाई 2 यानी कि 2 t की 1 बाई 2 का मतलब है रूट टी, तो 1 बाई 2 ऊपर जाएगा 2 रूट टी आ गया इसका. इतने हम स्टेप्स करें आप डायरेक्ट याद रखें 1 बाई रूट एक्स, डायरेक्ट क्या याद रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. 1 बाई रूट एक्स का जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है भाई, डायरेक्ट याद रख लो एज ए फॉर्मूला बेटर रहेगा आपके लिए, फायदा होगा. 1 बाई रूट टी का 2 रूट टी हो गया, समझ आ रहा है. टी की वैल्यू डाल दो 2x प्लस x माइनस 3 प्लस c, तो इसका इंटीग्रल हमारे इसको कर दे रहा, इसका इंटीग्रल क्या आ गया ये अब हमने ये किस टाइप का है लीनियर बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. अब इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको. एफ डैश एक्स डिवाइड बाई वहां पे एफ एक्स था ना, यहां पे रूट एफ एक्स, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिखाई दे तो उसका आंसर ये होता है भाई. एक सेकंड के अंदर आंसर. फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले रहे हैं इंटीग्रल ऑफ, ये क्वेश्चन है जैसे ये हो गया एफ डैश एक्स और नीचे स्क्वायर रूट में ये हो गया फंक्शन हमारा, ठीक है. तो कितना आया हमारा 2 रूट एफ एक्स. और कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि आपका एनसीईआरटी 7.2 में एक्सरसाइज में है, ध्यान से समझे भाई इसको. 1 प्लस साइन एक्स जैसे कि मैंने पहले किया था, अगर ये रूट नहीं है तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, 1 प्लस साइन एक्स का पूरा डेरिवेटिव बन रहा है तो इसका तो लॉग हो जाता, लॉग मोड, इसका आंसर क्या होता लॉग मोड 1 प्लस साइन एक्स, ये होता आंसर. लेकिन ये रूट में है तो इसको किस में डाल दो, रूट में है ये भी. तो ये हो गया हमारा एफ एक्स, एफ एक्स क्या यहां पे ध्यान से देखें 1 प्लस साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर है, ऊपर प्रेजेंट है तो ये टाइप लग जाएगी. तो इसका आंसर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 2 रूट जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस साइन एक्स. आप बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो, काफी क्वेश्चन जैसे 3x square प्लस 4x और प्लस 1, इसको स्क्वेयर रूट में स्क्वेयर रूट 3x square प्लस 4x प्लस 1, इसका इंटीग्रल निकालना भाई. देखे ये हो गया हमारा स्क्वेयर रूट और ये हो गया फंक्शन, ऊपर हो गया उसका डेरिवेटिव. जैसे कि हमने पुट की है, पुट करके करते हैं हम, थोड़ा टाइम लगता है हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे इस पे, हो गया रूट एफ एक्स ऊपर हो गया एफ डैश एक्स 3 टू जा 6 एक्स प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 रूट. ये हमारे काफी क्वेश्चंस इस तरीके से हम 7.2 एक्सरसाइज में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये दो फॉर्मूले लगा के. एक तो ये फॉर्मूला एक हमने पहले अभी किया था, ये दो फॉर्मूले लगा के हम डायरेक्ट एक लाइन में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब क्वेश्चन हमारे
टू मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसको रब कर दें। ये हमारा वैसे एक मार्क्स में ही आता है, दो मार्क्स में भी दे सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारा 17, 16 हमने करवा दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन 7 कर चुके हैं लास्ट वीडियोज में। देखें, ये हमारा ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ये वाली टाइप होगी स्क्वायर रूट। ऊपर लीनियर फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। दो नंबर में तभी बन जाता है ये जब एक्स का एक्स की टर्म नहीं है। अगर एक्स की टर्म और आ गई तो फिर फोर मार्क्स में बन जाएगा, ठीक है। देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बाई वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। समझ आ रहा है? यहां पे जैसे कि मैंने बताया था, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, इसको हमने पूरा डिटेल में किया था। दो नंबर में आ जाता है, आप ट्रिक्स सीखें क्वेश्चन करने की, ठीक है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसको आप इस इंटीग्रल को आप एक सेकंड में कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप पुट करें, आप इस इंटीग्रल को करने के लिए आप क्या करें, पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी पुट करें। आप पुट करके कर रहे हैं तो आप उससे कर सकते हो, नहीं हम क्या करें, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम दो से डिवाइड कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, समझ आ गई आपको क्यों किया है। देखो ये हमारा फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए किया हमने, उसका डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए किया है। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे फंक्शन स्क्वायर रूट में पड़ा हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 इंटू 2 रूट डिनोमिनेटर एफ एक्स। हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया भाई। और इसका आपको आता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाले हमारे 2 लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यहां पे 2 से 2 कैंसल, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यहां पे देखिए, यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है और यहां पे कौन सा लगाया है। अगर दो नंबर में आता है दो नंबर में ही आएगा मैक्सिमम, तो फॉर्मूला मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें देखें, पहले यहां पे मैंने कौन सा लगाया है, यहां पे ऊपर एफ डैश एक्स है पहला, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है ना भाई, ये हमारा फंक्शन है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और दूसरे में कौन सा लगाया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, लॉग मोड एक्स प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है प्लस सी। इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, टाइप वही लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, पी एक्स प्लस क्यू जो पहली टाइप मैंने बताई थी, और नीचे है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, छोटा क्वेश्चन, अदरवाइज एनसीईआरटी में थोड़ा लेंथी है जो तरीका है हमारा। YouTube पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा। देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था एक नंबर में, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, ध्यान से समझें, 6x plus 2, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता तो एक नंबर का क्वेश्चन था, टाइप वही है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आ जाता, लॉग मोड 1 प्लस 2x प्लस 3x की स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 6x प्लस 2, जो कि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 5x माइनस 2 की जगह आपने
इसका डिनोमिनेटर इंट्रोड्यूस करना है, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना बनता है 6x+2, ये लिख लो आप, ठीक है। डिनोमिनेटर है हमारा 1 + 2x + 3x2, 5x-2 को इस तरीके से लिखना है कि हमारा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यूज हो जाए, ठीक है। 6x+2 बनता है, अब लाना हमें 5x-2 है, तो x का कोफिशियंट कितना 6, उससे डिवाइड कर दो, x के कोफिशियंट से डिवाइड किया तो कितना आया 6 आया, सॉरी 6 से 6 डिवाइड किया तो x का कोफिशियंट 1 रहा, बट हमें क्या चाहिए 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बना, 5/6, 6x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और प्लस 10/6 ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको कर दे माइनस, समझ में आ रहा है, 5 × 2 = 10, 10/6 और आगे क्या है -2। दूसरे क्वेश्चन में और देखोगे बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार दिक्कत होगी आपको इस चीज की, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वही बचेगा 5x-2। देख लो आप, 5x-2 को मैंने कैसे लिखा, 5/6, 6x+2, -10/6, -2, सॉल्व करो इस साइड को, क्या 6 से 6 कटेगा तो क्या बचा 5x बचा, और प्लस 10/6 -10/6 -2 वही बच गया 5x-2। समझ आ रहा है, न्यूमरेटर को इस तरह से लिखना है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यूज हो। देख ले एक बार दोबारा, फिर देख ले 5x-2, इसका डेरिवेटिव लिख लो डिनोमिनेटर का कितना है 6x+2, लिख लिया डेरिवेटिव, लिख लिया आपने, ध्यान से देख ले एक बार दोबारा, फिर डेरिवेटिव लिखा आपने, इसका डेरिवेटिव 6x+2, इसका कोफिशियंट कितना 5, पहले कोफिशियंट 1 बनाओ, जितना कोफिशियंट है x का उससे डिवाइड करो, कर दिया डिवाइड, अब कितना बन गया x का कोफिशियंट 1, लेकिन हमें 5 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अब बन गया 5x, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते तो 5x बनेगा, तो ये एक्स्ट्रा कौन सा बन गया, अभी तो 5x लिखा गया है, सिर्फ 5x है ये, ठीक है। 5 × 10, 10/6, प्लस का 10/6 ज्यादा हो गया, उसको माइनस कर दो, और साथ में ये -2 है, वही चीज यहां पे लिखेंगे हम, 5/6 -10/6 -2, ठीक है भाई। इसके देखें 5/6 6x+2, इसका एलसीएम ले लें, -10/6 -2, 6 एलसीएम आ गया, -6 -6 × 12 कितना आ गया -22/6, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि -11/3, एक बार सीखोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा आपको। इसी चीज को एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में आप देखेंगे, ए और बी मान के कर रखा है, 4-5 स्टेप में होती है, हमने सिर्फ 2 स्टेप में कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6 इंटीग्रल ऑफ 6x+2 1 + 2x + 3x2, डिकम्पोज करेंगे, एक हो गया -11/3 इंटीग्रल ऑफ 1/, इसको ऐसे लिखते हैं 3x² + 2x + 1, समझ आ रहा है भाई। हर क्वेश्चन में ध्यान से सुन लें, हर क्वेश्चन में जो हमारा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक होगी, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव नहीं बनता, उन हर क्वेश्चन में नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, एक तो ये बनेगा इंटीग्रल हमारा, एक इंटीग्रल ये बनेगा 1y क्वाड्रेटिक, ये टाइप हम पहले कर चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, किया था ना 5/6 log, डायरेक्टली तो पुट करने की जरूरत नहीं है, अभी बड़ा क्वेश्चन है और भी, 1 + 2x + 3x²
माइनस 11 बाई 3, इसको मैं आई वन मान लेता हूं, से फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने इसको, समझ आ रहा है। अब आई वन का हम अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, आई वन ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, डीएक्स बाई वन बाई क्वाड्रेटिक, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे तीन बाहर लेंगे, डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री, अच्छी तरह किया हमने, तो दिस इंप्लाइज आई वन क्या हो गया हमारा वन बाई थ्री डीएक्स, इस जो एक्स स्क्वायर और एक्स की क्रम है उसमें हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला या ए माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका हाफ कर दो, हाफ करने का मतलब होता है एक बटा दो से मल्टीप्लाई, हाफ कितना आ गया वन बाई थ्री, एक्स के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर एड कर दो और माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस एक्स का कोफिशियंट हाफ वन बाई थ्री, वन बाई थ्री का स्क्वायर मैंने प्लस कर दिया और वन बाई थ्री का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, और आगे है वन बाई थ्री, समझ आ गया। एक्स के अगर आप प्लस करेंगे तो माइनस भी करेंगे ऑब्वियसली, एक्स के कोफिशियंट का आधे हाफ का स्क्वायर एड कर दिया और उसी को हमने क्या कर दिया माइनस, और इसको कैसे लिख सकते हैं वन बाई थ्री डी एक्स, यहां से यहां तक ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लिया इसका स्क्वायर लेंगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस टू ए बी, देखिए वही आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यानी कि टू बाई थ्री एक्स वही आ गया सेम। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बना हमारा माइनस वन बाई नाइन आगे का जो है दोनों कॉन्स्टेंट टर्म और प्लस वन बाई थ्री, तो एलसीएम आ गया हमारा नाइन, तो माइनस वन थ्री थ्री जा नाइन थ्री, यानी कि टू बाई नाइन, टू बाई नाइन किसका बना भाई प्लस का बना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं डी एक्स एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, इसको पूरा एक्स स्क्वायर जैसे कि हमने एक्सरसाइज स्टार्टिंग में किए एक से लेकर नौ तक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये फॉर्मूला लगाया हमने वन बाई थ्री वन बाई ए, ए हमारा कितना है रूट टू बाई थ्री, ये हमारा ए का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए और ये पूरा हो गया हमारा एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स प्लस वन बाई थ्री रूट टू बाई थ्री, ठीक है भाई, ये ऊपर तीन जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचा वन बाई रूट टू बचा, ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा थ्री आएगा, ये बनेगा थ्री एक्स प्लस थ्री, और नीचे भी है थ्री, देखिए एलसीएम लेंगे तीन तो ये बनेगा, नीचे भी तीन है तो कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचा रूट टू, अब ये वैल्यू आ गई हमारी आई वन की, इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दो हमारा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा जिसका हमने इंटीग्रल निकालना था, पुट वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे आई इज इक्वल टू, ये आई है हमारा, आई चल रहा था 5 बाई सिक्स लॉग 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स की स्क्वायर माइनस 11 बाई थ्री इंटू वन बाई रूट टू टेन इनवर्स 3x प्लस वन डिवाइड बाई रूट टू और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, देखिए हमने यहां से भी क्वेश्चन को छोटा कर दिया, यहां पे हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाला इसका, यहां पे भी जैसे एनसीईआरटी में पुट करके कर रखा है तो लेंथी हो जाएगा, अभी क्वेश्चन कितना लेंथी है
यहां पे भी हमने, यहां पे हमने डायरेक्ट 5x माइनस 2 को हमने इस तरह से लिखा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यूज हो जाए, ठीक है। इस चीज को एनसीईआरटी में 4-5 स्टेप में लिखा हुआ है, इस इतना आसान तरीका और छोटा तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, हम ऐसी ऐसी वीडियो आगे भी लेके आते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 6x plus 7 divide by square root of x minus 5, x minus 4, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x plus 7 square root of, मल्टीप्लाई करेंगे x की स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, यानी कि आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आएगा भाई। अब जैसे कि मैंने बताया ये हमारी टाइप है लीनियर by square root of quadratic, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर नीचे पूरा फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो एक नंबर में बन जाता है, समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्वेश्चन ये होता तो इसको तो मैंने अभी करवाया था पहले, तो ये तो एक नंबर में हो जाता अगर ऐसा ये क्वेश्चन होता, बट ऊपर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 6x plus 7 को लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, डिनोमिनेटर हमारा x square minus 9x plus 20 square root of, इस square root को भूल जाना है, सिर्फ डिनोमिनेटर ये समझना है x square minus 9x plus 20, इसका डेरिवेटिव कितना बनता है 2x minus 9, तो वो ऊपर लिख लें आप, समझ में आ रहा है। जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हो या बगैर स्क्वायर रूट की टाइप हो, स्क्वायर रूट को छोड़ के उसका डेरिवेटिव देखना है, इसका डेरिवेटिव क्या बना 2x माइनस 9। अब x का कोफिशियंट कितना है 6, पहले x का कोफिशियंट 1 बनाओ, x के कोफिशियंट 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया 1 बन गया, हमें चाहिए 6, तो 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 3 से डायरेक्ट 6 आ जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, समझ आ रहा है, हम 3 से डायरेक्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 6x चाहिए हमें। अब ये माइनस 27 है तो 3 को 9 से किया, माइनस 27 तो प्लस 27 कर दिया। अब यहां तक हमें देखेंगे 6x माइनस 27 प्लस 27, माइनस प्लस 27 क्यों किया, क्योंकि माइनस का 27 बन रहा था, प्लस का 27 करना पड़ा, तो 6x से आया है और साथ में क्या है प्लस 7, समझ आ गया भाई। इस चीज को हम एक बार दोबारा समझ लें, जो हमारा 6x plus 7 है उसको हमने कैसे लिखना है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यूज हो जाए। आपने लिखा 2x minus 9, इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट को कंसीडर नहीं करना है, स्क्वायर रूट को कंसीडर नहीं करना है, 6 ला रहे हैं तो ऑब्वियसली है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस 27 बन रहा है तो प्लस 27 कर दिया, 9 3 27, 7 प्लस का है तो 7 और लिख दिया, अब दोनों साइड आपकी बराबर होंगी, वही हमने यहां पे लिखा है, बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप बचा सकते हैं, 3 बाहर 2x माइनस 9, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था दो इंटीग्रल बनेंगे, एक बनेगा नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, अरे एक क्या बना 27 और 7 34 1 बाई एक्स माइनस 9x, हाँ भाई समझ आ गया, एक तो ये बना 3, ये हो गया हमारा 3 2x माइनस 9 और प्लस कितना बना 34, एक तो इंटीग्रल हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल आता ही हमें, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, करवाया था रूल, ट्रिक बताई थी, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन स्क्वायर रूट में पड़ा हो तो 2√fx होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसको हमने क्या मान लिया i1 से, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, समझ आ रहा है, यहां पे ही हो गया हमारा 6
square root of x square minus 9x plus 20 I plus 34 I1 इसको इक्वेशन 1 उस सूत्र वाले को डाल देते हैं, इसको 1 मानी हम I1 की वैल्यू निकालेंगे अलग से और यहां पे पुट कर देंगे जैसे कि हमने पहले किया हुआ है। हमने क्वेश्चन हमने 10 से लेकर 15 तक जो किए थे इस टाइप के, जो I1 का हमने इंटीग्रेशन निकाला था, I1 इंटीग्रल ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ये टाइप आप पहले कर चुके हो, 1 बाई क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लास्ट वीडियो में हमने किया था। कैसे करेंगे वही, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बनाते हैं अगर नहीं है तो, ऑलरेडी 1 है, x स्क्वायर और x की जो टर्म है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, x स्क्वायर माइनस 9x, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। हाफ कितना बनता है, 9/2, 9/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया, इसी को हमने क्या कर दिया, माइनस, और आगे है 20। क्लियर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा और माइनस आगे देखिए 9 का स्क्वायर किया तो 81 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20। इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम क्या आएगा यहां पे, 4 एलसीएम माइनस 81 प्लस 20 सॉरी 80 आएगा, इसके डिनोमिनेटर के 1 है, 24 जा 80 तो कितना है, माइनस 1 बाई 4। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx x माइनस 9 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है कि हमारे कौन से फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log mod x प्लस डिनोमिनेटर आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है एज इट इज। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया हमारा x स्क्वायर। हमने पहले एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, पर माइनस a स्क्वायर तो क्या हो गया, log mod x प्लस एज इट इज होता है, जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब ध्यान दें, log mod x माइनस 9 बाई 2 और प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा ये x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर है ये है, ये चीज ये है, यानी कि ये है, ये है, यानी कि जो स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर था वही लिख देंगे आप, क्या है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। मतलब ये जो चीज है, ये जो स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर था वही होगी, प्लस सी, ये वैल्यू पुट कर दें आई वन की इक्वेशन वन में, पुट वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज आई हमारा जो ये क्या चल रहा है जिसका हमने इंटीग्रेशन निकालना था, आई सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9 बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ये आ गया हमारा आंसर भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेट x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर। देखिए हम बड़े जल्दी जल्दी से अब हम कैसे x प्लस 2 को चेंज करेंगे, x प्लस 2 को डिनोमिनेटर देखिए हमारा क्या है, 4x माइनस x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट को छोड़ दो, स्क्वायर रूट को छोड़ के जो फंक्शन अंदर है इसका डेरिवेटिव आप ऊपर लिख दो, क्या बना, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4। अब हमें क्या लाना है, x प्लस 2 लाना है, कैसे, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है
माइनस दो से हमने डिवाइड कर दिया, x आ गया और x वन ही लाना था, वन ऊपर आ गया, ठीक है। इसको हम माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करके देखो तो x आ जाएगा। तो माइनस वन बाई टू को और फोर से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, टू, माइनस का टू तो प्लस का टू कर दो और आगे है ही टू। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को वही आएगा, एक्स प्लस टू ही आएगा। देख सकते हो आप, एक्स आ गया यहां तक, माइनस वन बाई टू एक्स, माइनस टू और प्लस टू प्लस टू, तो क्या बचा, एक्स प्लस टू ही बचा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर। और इसको, इसके दो इंटीग्रल बन जाएंगे हमारे, माइनस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ माइनस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस फोर वन बाई फोर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर स्क्वायर रूट। नीचे फंक्शन हुकरूस का डेरिवेटिव बताया था इसका मैंने, माइनस वन बाई टू क्या बना, टू रूट एफ एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, प्लस फोर और इसको हमने मान लिया आई वन। यहां पे मैं फॉर्मूला बता देता हूं कौन सा यूज किया है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो बेटर है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सिंस इंटी अगर ऊपर एफ डैश एक्स है नीचे रूट एफ एक्स है तो क्या आता है, टू रूट एफ एक्स। सो ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है। अब आई वन को सॉल्व करेंगे। नाउ आई वन, आई वन क्या है, डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर। एक्स की स्क्वायर के कोफिशियंट को पहले क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या बना, एक्स की स्क्वायर फोर एक्स माइनस का बन गया भाई, माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। ये माइनस अंदर ही रखना है आपने, ध्यान रखना, डी एक्स माइनस। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स के कोफिशियंट का हाफ, हाफ कितना आ गया, चार का दो, चार का आधा दो, दो का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस कर दिया भाई, समझ आया, ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए किया है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, देखो ये क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस टू ए बी, और माइनस चार आ गई इसके नाम पर, माइनस टू की स्क्वायर माइनस फोर। अब ये माइनस हमारा, ये समझ में आ गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस टू ए बी फोर एक्स, ये आ गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चला जाता है। और ये हो गया हमारा, चार माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये x माइनस टू का होल स्क्वायर, इस चार को लिख सकते हैं हम, दो का स्क्वायर ही रहने देते हैं वहां पे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है हमारा किसका होता है भाई, साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स का कोफिशियंट यहां पे वन है, उससे डिवाइड भी करना होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक से लेकर नौ तक में बताया था, बट यहां पे वन से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। ये आ गया हमारा आई वन, इसमें पुट कर दो वन में, तो ये हमारा आई था, पुट वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दिस लाइक आई वन हमारा क्या हो गया, सॉरी आई माइनस वन से यहां से कट कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारा माइनस फोर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर और प्लस फोर आई वन। फोर एज इट इज, आई वन की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी,
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेट s प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. कैसे करेंगे? वही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट को छोड़ के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आया, 2x प्लस 2 आया. स्क्वायर रूट को छोड़ देना है तो 2x प्लस 2 ऊपर लाना है. और देखिए इसको हम डिनोमिनेटर है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे लिखे 2x प्लस 2 लिख दिया. x का कोफिशियंट कितना ऊपर 1, तो x के कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो 1 बाई 2 को 2x से तो x ही आ जाएगा, और 1 बाई 2 इंटू 2 करेंगे 1, तो 1 माइनस कर दो और 2 प्लस में है ही. समझ आ गया? देखिए 1 बाई 2 था 2x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 को तो कितना आएगा 1, तो 1 हमने क्या कर दिया माइनस, और 2 ऑलरेडी था प्लस का. ठीक है, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा, x प्लस 2 ही आएगा. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 2x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. और इसके दो इंटीग्रल बना लेंगे जैसे पहले बनाया हमने, 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन. हाँ कार करते हैं हम, नीचे फंक्शन स्क्वायर रूट में ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो कितना आया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस इसको हमने आई वन मान लिया से, फर्स्ट से का मतलब वही मान लेते हैं हम, इसको क्या माना आई वन, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस आई वन. ऊपर वाले को रब कर देते हैं, यहां लिख देते हैं और ये हमारा आई, आई वन की अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे कि पहले किया हमने. आई वन की वैल्यू निकालेंगे, आई वन क्या हमारा एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 जैसे कि पहले किया हमने. कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे, एक्स का कोफिशियंट कितना है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वेयर एड कर दो माइनस कर दो. समझ आ गया होगा? डीएक्स ये बन गया हमारा यहां से यहां तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन प्लस टू थ्री सॉरी टू. और इस टू को कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट टू का स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर, वन बाई स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स की स्क्वेयर के लोग मोड एक्स वाले होते हैं तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सिंस डीएक्स बाई स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लोग मोड एक्स प्लस डिनोमिनेटर है जीडी जा जाता है. याद है आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से, ये एक्सरसाइज हमारी फॉर्मूले पे बेस है, क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 9 तक में किए. तो log mod x प्लस वन प्लस एच डी टीज आ जाएगा जो डिनोमिनेटर के अंदर है, यानी कि डिनोमिनेटर एच डी टीज आ जाता है, x प्लस वन का स्क्वेयर रूट टू का स्क्वेयर. जैसे कि पहली वीडियोज में बताया मैंने, जो ये डिनोमिनेटर है हमारा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि वही से आता जाता है जो हमारा स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर है, यानी कि ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3. ये वैल्यू कर देंगे पुट, i1 की वैल्यू है इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो i क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और आई वन प्लस लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। सेम है, एक्स प्लस थ्री को कैसे लिखेंगे? पहले देखिए डिनोमीटर लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? टू एक्स माइनस टू, एक्स का कोफिशियंट वन है, ऊपर वन बनाने के लिए एक्स का कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड कर दो, और वन चाहिए तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया माइनस वन, और प्लस वन कर दो, समझ आ गया ना? वन बाई टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन आएगा, तो माइनस वन है तो इसलिए प्लस वन कर दिया, और थ्री है ही हमारा, तो ये हमारा क्या आ गया? इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं वन बाई टू, दो इंटीग्रल बन जाएंगे टू एक्स माइनस टू, एक स्टेप हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, वन प्लस थ्री फोर, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लॉग, पता है ना? सिंस करवाया था फॉर्मूला, ऊपर डेस फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड, ठीक है, तो वन बाई टू, ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आंसर लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और इसको हमने आई वन नेक्स्ट स्टेप में मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहीं पे स्टेप में मान लेते हैं, आगे तो कुछ करना ही, इसको आई वन मान लेते हैं हम, आई वन से फर्स्ट। अब इसका आई वन का हमने इंटीग्रेशन निकालना है और वैल्यू वन में पुट कर देनी है, बस आई वन इज इक्वल टू डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, डीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना? माइनस टू, इसका हाफ वन, वन का स्क्वायर ऐड कर दो और वन का स्क्वायर माइनस कर दो। अब देखो ये यहां से यहां तक बना हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यू कैन राइट आई वन इज इक्वल टू बी एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और आगे बचा माइनस छह माइनस सिक्स, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? रूट सिक्स का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो फैक्टर्स बनते हैं, वन बाई टू ए वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, तो क्या आता है हमारा एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन होता है भाई लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, वन बाई टू ए भी आता है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, तो ये लगा देंगे हम, ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन बाई टू ए, ए हमारा रूट सिक्स है एक स्क्वायर, लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और जैसे कि मैंने बताया एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं, अगर ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, एक्स का कोफिशियंट यहां पे वन है, हर क्वेश्चन में वन आ रहा है कोफिशियंट, तो डिवाइड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, वन है, तो ये हो गया हमारा, तो ये वैल्यू हम आई वन की इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन वन, तो आई हमारा क्या हो गया? वन बाई टू लॉग प्लस फोर आई वन, फोर आई वन क्या है? वन बाई टू रूट सिक्स लॉग
मोड एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, और इसको यहां से कैंसिल करना चाहो टू बाई रूट सिक्स आ जाएगा. दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव और प्लस टू से कैंसिल हो गया यहां पे, तो टू बाई रूट सिक्स लॉग मॉड एक्स माइनस वन हमने इतने छोटे तरीके से करवाया है कि आपका टाइम भी सेव हो जाए और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे. अदरवाइज ये आपका पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं आना था, आधा बोर्ड और भरता. ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करवाया हमने. क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेट 5x प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. देखिए 5x प्लस 3 को हमने कैसे लिखना है, 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव लाना है. तो 2x प्लस 4 लिखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो लिख ही लो स्क्वायर रूट को छोड़ के. ठीक है, अब x का कोफिशियंट हमें 5 बनाना है. पहले 2 से डिवाइड किया, x के कोफिशियंट से डिवाइड कर दो और जितना x का कोफिशियंट ऊपर है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और आ जाएगा. देखो इसको मल्टीप्लाई किया जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताता रहा हूं मैं, तो 5x आ गया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 बटे 2 10, 10 प्लस का बन रहा है, माइनस का 10 कर दो और प्लस 3 है. ठीक है, समझ आ रहा है. 5 को 4 से किया 20, 20 बाई 2 10, 10 प्लस का है, यहां पे माइनस कर दिया हमने प्लस 3. बहुत ही आसान है, दो तीन क्वेश्चन में यूज करेंगे आप, अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक. इसको हम कैसे लिखे, 5 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कितना बचा, माइनस का 7 माइनस 10 प्लस 3 दो इंटीग्रल बनने माइनस 7 और dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ इसका इंटीग्रेशन आपको आता है. फॉर्मुला लिखूं, सिंस डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट में, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया तो 2 रूट एफ एक्स होता है. अगर नीचे स्क्वायर रूट ना हो तो लोग एफ एक्स होता है, शॉर्ट में आपको बता रखा है. 5 बाई 2 स्टार्टिंग में करवा दिया था मैंने, 2 डिनोमिनेटर रूट एफ एक्स और माइनस 7 डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7. इसको आई वन मान लिया भाई, से का मतलब आई वन मान लिया हमने. अब आई देखिए आई वन का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे. आई वन किसकी इक्वल है, डीएक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे हम. आई वन इज इक्वल टू डीएक्स बाई एक्स के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4. इसको ऐड कर दो और इसको क्या कर दो, माइनस. तो ये हमारे पास क्या बना, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. आगे क्या बचा, प्लस 6, और प्लस 6 को माइनस 4 प्लस 10 प्लस का 6, उसको लिख सकते हो रूट 6 का स्क्वायर. अब इस पे लगा दो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला. पता है क्या होता है फॉर्मूला भाई, लॉग मोड वाले होते हैं, लॉग एक्स मोड डिनोमिनेटर. तो यही फॉर्मूला लगा देंगे हम, लॉग एक्स कितना हमारा एक्स प्लस 2 है यहां पे, और डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, और यू कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 2. ये डिनोमिनेटर जो होता है वही होता है जो हमारा स्टार्टिंग में चल रहा होता है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. ये वैल्यू पुट कर दे आई वन की इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ आई वन, पुट वैल्यू ऑफ आई वन
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन है तो ये क्या बन गया, i हमारा क्या बना भाई 5 स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग मोड x प्लस 2, यहां पे आएगा नहीं, माइनस 7 लॉग मोड x प्लस 2 प्लस x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सम कॉन्स्टेंट c।